हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है हिमांशु गजेंद्र और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क का कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आपको एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है। कहीं वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा, ऊपर कार्ड में भी आप डिटेल्स यहां पर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस तरीके से बहुत बढ़िया से आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से वीडियो स्टार्ट करते हैं एवरीवन। बट उससे पहले, कहीं अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको यहां पर मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एवरीवन। बट एक बार यहां पर मैं आपको फटाफट से एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस भी बता देता हूं ताकि आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए, IBPS RRB एग्जाम्स के बारे में तो आप डिटेल सारे जानते होंगे, ठीक है। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपका IBPS RRB का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एग्जाम आपका हर ईयर कंडक्ट होता है, एग्जाम आपको ऑनलाइन है, आपको एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही फिल करना है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी है www.ibps.in, जहां पर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाते हैं, जहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एडमिट कार्ड भी आपको यहां पर ही मिलेगा, रिजल्ट भी आपको यहां पर ही मिलने वाला है। चलिए, तो आगे एक बार मैं आपको बता देता हूं एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होता है, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से आपका होता है। देखिए, पीओ की हम बात करें तो आपके तीन स्टेजेस में एग्जाम होगा। फर्स्ट है प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इज इंटरव्यू। बट यहां पर कहीं पीओ के बाद में हम क्लर्क की बात करें एवरीवन, तो क्लर्क के एग्जाम में आपका इंटरव्यू नहीं होगा, बाकी पूरा प्रोसेस आपका यहां पर सेम है। आपका प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देन यहां पर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें प्रीलिम्स देन मेंस की, तो पीओ एंड क्लर्क दोनों के लिए आपका जो एग्जाम पैटर्न है एवरीवन वो आपका सेम है। पहला आपका देखिए यहां पर सेक्शन है रीजनिंग का और दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। प्रीलिम्स में चाहे पीओ का एग्जाम हो या क्लर्क का एग्जाम हो, दो ही सेक्शन आपके यहां पर आते हैं। 40-40 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे 40-40 मार्क्स में, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 80 एंड मार्क्स भी आपके हो जाएंगे यहां पर 80 और कंबाइंड टाइम है आपका 45 मिनट्स का। तो इस तरीके से हम यहां पर एग्जाम देने वाले हैं प्रीलिम्स का। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा यहां पर हम आगे देखेंगे, बट यहां पर प्रीलिम्स के बाद में मैं फटाफट से आपको मेंस का एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, एग्जाम पैटर्न यहां पर आपका पांच सेक्शंस का है। फर्स्ट रीजनिंग, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चन बट मार्क्स आपके यहां पर 50 है। देन जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इंग्लिश हिंदी आपका 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। अब देखिए, इंग्लिश हिंदी मींस आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं या फिर हिंदी का दे सकते हैं। देन लास्ट आपका है यहां पर कंप्यूटर, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन होगा 0.5 मार्क्स का। और कंबाइंड टाइम देखिए आपके पास यहां पर है 2 आवर्स का। 2 आवर्स में आपको ये पांच जो सेक्शन है वो अटेम्प्ट करने हैं। आपके टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 200 और मार्क्स भी आपके हो जाते हैं 200, ठीक है एवरीवन। तो यहां पर देखिए आपको एग्जाम पैटर्न तो समझ में आ गया कि प्रीलिम्स का क्या है और मेंस का क्या है। सिलेबस कहीं आप देखना चाहते हैं तो मैं सिलेबस भी आपको आगे बता दूंगा, बट एक बार यहां पर हम फटाफट से जो है आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है वो हम यहां पर देखते हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न तो हमको समझ में आ गया। अब देखिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम पहले यहां पर बात करते हैं प्रीलिम्स की। देखिए, प्रीलिम्स में आपको दो ही सेक्शन प्रिपेयर करने हैं, पहला है रीजनिंग और दूसरा है मैथ्स। तो देखिए, बेसिक आप पहले से यहां पर जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे थोड़ा सा यहां पर बेसिक प्रिपेयर कर लीजिए और बेसिक प्रिपेयर करने के बाद डायरेक्टली आप आ जाइए यहां पर मॉक टेस्ट में, क्योंकि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी मॉक टेस्ट से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। आप बेसिक पढ़ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग यहां पर जो आपके मैथ्स में जैसे DI है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपलीफिकेशन है, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। ये तो आपका बेसिक हो गया जो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। बट जब आप यहाँ पर IBPS RRB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है मॉक टेस्ट से, ठीक है एवरीवन। ये बिल्कुल बात ध्यान रखिए कि बेसिक यहां पर आपका बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में नहीं आता है, कि आपको बेसिक आ चुका है तो अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट से कि आपको कैसे यहां पर प्रिपरेशन करनी है, ठीक है एवरीवन। तो यहां पर देखिए, आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है देना, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पर स्टार्ट कीजिए सेक्शनल मॉक टेस्ट से, ठीक है। सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए आप रीजनिंग के एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के, दोनों के अलग अलग सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। रीजनिंग के दीजिए और वहां पर देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं,
कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे से बन रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक जिसमें और वर्क करने की जरूरत है। मैथ्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपको यही करना है कि आप बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत अच्छे से आपसे बन रहे हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं। तो जो नहीं बन पा रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग के हो या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी के हो, उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, एफर्ट्स दीजिए, थोड़े और क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एवरीवन। और सेक्शनल मॉक टेस्ट देते देते फिर आपको यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट करना है। डेली आपको एक मॉक टेस्ट यहाँ पर जरूर देना है एवरीवन। अब फुल मॉक टेस्ट आप देंगे तो रीजनिंग एंड यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों आएगा आपका। जहां पर देखिए 45 मिनट्स आपके पास में है, 45 मिनट्स में आपको यहाँ पर 80 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाने हैं, क्योंकि एग्जाम में तो 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए कितने क्वेश्चन बनाना है, उससे पहले हम यहाँ पर कट ऑफ पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। देखिए आपका कहीं यहाँ पर क्लर्क का एग्जाम है, असिस्टेंट का एग्जाम है, तो जो आपका यहाँ पर कट ऑफ होगा वो 70 प्लस ही होने वाला है। हर कोई यहाँ पे 75-80 क्वेश्चंस आराम से बनाकर आता है, तो जो कट ऑफ होता है वो आपका 70 प्लस ही जाने वाला है। तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आपको 80 में से 80 क्वेश्चंस पूरे बनाने हैं क्लर्क के पेपर में, बट जो पीओ का पेपर है उसमें आपका यहाँ पर 70 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो कट ऑफ होता है आपका पीओ का वो होता है अराउंड 50-60 मार्क्स, कभी 60 से प्लस 65 तक भी जाता है, बट आप कहीं 70 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल अब वो आपका सेफ अटेम्प्ट है। तो आपको ये बिल्कुल बात समझ में आ गई, क्लर्क का पेपर है तो पूरे 80 क्वेश्चंस बनाने हैं, बट पीओ का एग्जाम है तो आप यहाँ पर 70 क्वेश्चंस बना रहे हैं तो वो बिल्कुल आपका सेफ अटेम्प्ट है, ठीक है एवरीवन। तो सबसे पहले हम क्लरिकल ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं। 80 क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, मतलब कोई भी टॉपिक आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जब आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में भी आपको कोशिश करना है कि आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं कि मेरा ये अच्छा टॉपिक है मैं वो पहले बनाऊंगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं वो पूरा कंप्लीट आपको बनाना है, क्योंकि कंप्लीट आपको 40 क्वेश्चंस बनाने हैं रीजनिंग में एंड 40 बनाने हैं आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में। तो मॉक टेस्ट आप जब भी दें तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें और पूरे कंप्लीट 40 क्वेश्चन बनाएं, चाहे रीजनिंग हो या फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी हो। ये आप कर सकते हैं कि आप पहले रीजनिंग बना रहे हैं या पहले आप न्यूमेरिकल एबिलिटी बना रहे हैं, ठीक है एवरीवन, बट कंप्लीट 40 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, वो भी एक सीक्वेंस में बनाने हैं, ठीक है एवरीवन। मॉक टेस्ट में कहीं आपसे कुछ टॉपिक नहीं बनता है तो बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, टाइम मत दीजिए, बट जो भी आपने टॉपिक वहां पे छोड़ दिया है वो माइंड में रखिए और मॉक टेस्ट के बाद में उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो टॉपिक आपसे मिस ना हो और बहुत अच्छे से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है एवरीवन। अब देखिए टाइम आपके पास में है यहाँ पर 45 मिनट्स। अब 45 मिनट्स में आप ये सोच रहे होंगे कि मैथ्स को कितना टाइम दे, रीजनिंग को कितना टाइम दे, तो आप यहां पर बस इतना कर सकते हैं कि 20-25 का यहां पर आप रेशियो रख सकते हैं, ठीक है। 20 मिनट्स दीजिए रीजनिंग या मैथ्स को, 25 मिनट्स दीजिए जो बाकी आपका एक सब्जेक्ट बच गया उसको, ठीक है। जो जिसमें आप थोड़ी स्पीड आपकी अच्छी है, जो आप फटाफट से बना सकते हैं उसको 20 मिनट्स दीजिए, और जिसमें आप थोड़े से स्लो हैं उसको 25 मिनट्स दीजिए, बट कोशिश कीजिए कि 20 मिनट्स में एंड 25 मिनट्स में पूरे 40-40 क्वेश्चंस आपको वहां पर बनाने हैं, ठीक है एवरीवन। अब यहां पर देखो पीओ की हम बात करते हैं, ऑफिसर की बात करते हैं, तो यहां पर आपका एम होगा कि 70 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं बहुत अच्छे से। अब यहां पर आप ये बिल्कुल कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं वो आप यहाँ पर उसमें टाइम ना दें, उसको अलग कर दें, बट यहाँ पर भी आपको सीक्वेंस वाइज ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बनाना स्टार्ट करना है और पूरे 40 क्वेश्चन तो आप तक आपको जाना है। ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए कि मुझे स्लॉग इनइक्वालिटी पहले बनाना है रीजनिंग में तो मैं वो सर्च कर रहा हूँ वो बनाऊंगा, फिर मैथ्स में मुझे जो पसंद है वो मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर अटेंड करने हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो बिल्कुल 1-40 आपको सीक्वेंस वाइज आगे चलना है, तो भी आप बहुत बढ़िया से यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड कर पाएंगे, ठीक है एवरीवन। तो ये हो गया आपका यहाँ पर प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो देखिए मॉक टेस्ट का स्ट्रैटेजी तो आपको समझ में आ गया है ना। अब जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा है, उसमें अलग से टाइम दीजिए, अलग से मेहनत कीजिए, ठीक है। बट एग्जाम के पहले पहले तक वहां पर आपको ये होना चाहिए कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, आपने बहुत अच्छे से 100% मेहनत की हो, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से एग्जाम में जाके परफॉर्म कर पाए। ये बिल्कुल चीजें याद रखिए, मॉक टेस्ट में आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उससे यहाँ पर 5-10 मार्क्स आपके प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पर आपके एग्जाम के मार्क्स में नहीं आने वाला है,
ठीक है एवरीवन, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने 100% दीजिए, डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन कीजिए और मॉक टेस्ट डेली दीजिए, एनालिसिस कीजिए और यहाँ पर उसके बाद में जो भी टॉपिक्स आपके वीक हैं उन पर मेहनत कीजिए। ठीक है एवरीवन, चलिए अब आगे चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस में आपके 5 सेक्शन है ना, तो आपको मेंस के यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है वो भी देने हैं। जैसे मैंने प्रीलिम्स की बात की कि डेली आपको देना है, 2 से 3 दिन के गैप में या 4 दिन के गैप में आप मेंस का मॉक टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं एवरीवन। ठीक है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, तो बेसिक ये आप पढ़ चुके हैं ऐसा मैं अज्यूम करके लेके चल रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि बेसिक आपको कैसे पढ़ना है, वो आप सभी जानते हैं। ठीक है एवरीवन, की बेसिक आपको कैसे पढ़ना है, बट एक गलती आप सभी लोग ये करते हैं कि आप ये सोचते हैं बेसिक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं मॉक टेस्ट अभी कैसे दूं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बेसिक आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा, जितना आपने पढ़ा है उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपकी चीजें यहाँ पर इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बिल्कुल 3 से 4 दिन के गैप में आपको मेंस का मॉक टेस्ट यहाँ पर देना है। ठीक है एवरीवन, तो मेंस के मॉक टेस्ट में भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप देखिए कि कौन सा टॉपिक आपका यहाँ पर बहुत अच्छा है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जनरल अवेयरनेस हो, कंप्यूटर हो या फिर इंग्लिश हिंदी हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो बहुत अच्छा है उसको और अच्छा कीजिए। ठीक है, जो थोड़ा वीक है उस पर आप देखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक जिससे क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं उस पर अलग से आप यहाँ पर मेहनत कीजिए। ठीक है एवरीवन, बट यहाँ पर एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें आपके मार्क्स सभी स्टूडेंट से कहीं ना कहीं आसपास सेम ही आते हैं। जो एक अलग एज बनाकर लेके जाता है वो है आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस पे आपको अलग से दिन का अलग से हाफ एन आवर दीजिए। डेली मॉक टेस्ट यहाँ पर जो है अलग से आप दे सकते हैं, सेक्शनल वाइज जो करंट अफेयर के जो मॉक टेस्ट आते हैं ना वो आप दे सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि डेली जो आप यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, वो एक जगह से अलग से करंट अफेयर पढ़िए, दूसरी जगह से जो सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, एमसीक्यू मिल जाते हैं करंट अफेयर के, वहां पे खुद को टेस्ट कीजिए कि आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है एवरीवन, तो डेली आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए अलग से समय देना है, क्योंकि वही आपका एज बनाएगा मेंस के यहाँ पर मार्क्स में। ठीक है एवरीवन, तो आप 3 से 4 दिन के गैप में जो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट देंगे उसमें खुद को एनालाइज भी कीजिए कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, कितने किस में आप यहाँ पर थोड़े से वीक हैं, किस में आप यहाँ पर अच्छे हैं। जो वीक टॉपिक्स हैं उसमें और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर कर सकते हैं कि जो इंटरव्यू है उसके बाद में आपको आगे जाना है कि इंटरव्यू में किस तरीके से आप यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे। तो ये हो गया एवरीवन आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर कैसे देना है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। देखिए सिर्फ आप मॉक टेस्ट देते हैं वो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि सिर्फ मॉक टेस्ट से बहुत सारी चीजें आपकी इंप्रूव होती है। एक तो आपका यहाँ पे स्पीड इंप्रूव होगा, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी कि आप स्पीडली कैसे यहाँ पर एक्यूरेट क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर आदत हो जाती है मॉक टेस्ट देने की, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम के डे में कुछ भी नया फील नहीं होगा, बिल्कुल हैबिचुअल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो कंप्लीट जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसमें जो मैक्सिमम जो आपका मेन रोल प्ले करता है वो है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है एवरीवन, तो इसके बाद में आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है कि आप यहाँ पर किसी चीज में फंस रहे हैं, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एवरीवन। वो भी चीजें मैं आपको यहाँ पर अलग से यहाँ पर समझाऊंगा कि कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है एवरीवन, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर को अलग से टाइम दीजिए, डेली करंट अफेयर पढ़िए। ठीक है, डेली यहां पर आप देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है, उनको यहां पर बार बार आपको रिवाइज भी करना ताकि आप भूलें ना। ठीक है एवरीवन, लास्ट पॉइंट एक मैं यहां पर ऐड करता हूं, उसके बाद यहां पर आप सेशन वाइंड अप करेंगे कि जो कंप्यूटर है उसमें आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है। एक बार बहुत अच्छे से जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको रीड कर लीजिए, और जब भी आप मेंस के मॉक टेस्ट देंगे तो वहां पर वो चीजें आपके रिवाइज होते जाएंगी। ठीक है एवरीवन, चलिए तो इसके बाद में देखिएगा सिलेबस का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बट कहीं आपको सिलेबस नहीं पता तो ये देख सकते हैं, सिलेबस आपके सामने है, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। ये हो गया रीजनिंग का, देन ये क्वांट्स का सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में आपकी क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देन ये नेक्स्ट हो गया आपका इंग्लिश और हिंदी का, इंग्लिश और हिंदी में से एक ही एग्जाम आपको यहाँ पर देना है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर सिलेबस, कंप्यूटर में बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिएगा एवरीवन, है ना, आप मॉक टेस्ट के साथ साथ में वो चीजें आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। और लास्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स।
ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि प्रीलिम्स जब क्लियर होगा तो आप वहां पर आगे यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ेंगे, जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल अभी से आपको प्रिपेयर करना है, तभी आप वहां पर बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है एवरीवन, चलिए तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।